वेल गाइस, आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ वॉर के एक और वीडियो में, जहां आपको ये बातें पता चली गई होगी कि गॉड ऑफ वॉर का लेटेस्ट गेम यानी कि रैग्नारोक जो नॉर्स माइथोलॉजी पे बेस्ड है, वो इस माइथोलॉजी का लास्ट गेम होने वाला है। मतलब कि इसके बाद गॉड ऑफ वॉर के गेम्स किसी और माइथोलॉजी पे बेस्ड होंगे। सो इसलिए आज की इस वीडियो में हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक क्यों होने वाला है, नॉर्स माइथोलॉजी का लास्ट गेम क्यों दो ही गेम में खत्म हो रही है ये नॉर्स सागा, और इसके बाद कौन सी माइथोलॉजी पे गॉड ऑफ वॉर का अगला गेम बेस्ड होगा, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्ट है, एंड तक देखना। तो फिर चलो शुरू करते हैं, इंट्रो लगाओ। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई लीक नहीं है, बल्कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के डायरेक्टर एरिक विलियम्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक नॉर्स मैथोलॉजी का लास्ट गेम होने वाला है। अब उन्होंने रीजन तो नहीं बताया कि नॉर्स सागा को इतनी जल्दी एंड क्यों किया जा रहा है, और अगर आपको यहां ऐसा लग रहा है कि इस गेम में रैग्नारोक होने वाला है इसलिए नॉर्स मैथोलॉजी एंड होगी, बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि रैग्नारोक कोई जगह नहीं है जो डिस्ट्रॉय हो जाए तो रैग्नारोक खत्म। इसका कुछ और रीजन है। आपको वो गॉड ऑफ एसेंशन याद होगा जिसे लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था, इसकी सेल्स भी बहुत ही कम हुई थी, बट मुझे तो पर्सनली गेम काफी अच्छा लगा था। लेकिन एक गेम स्टूडियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको गेम पसंद आया है या किसको नहीं आया है, उनको बस एक ही चीज से मतलब है और वो है गेम की सेल्स, मींस की पैसा। और गॉड ऑफ एसेंशन के फ्लॉप होने के बाद सभी का एक ही रीजन था कि इस गेम में कुछ खास नहीं है, इसमें भी वही सब हो रहा है जो गॉड ऑफ 3 में हुआ था, प्रीवियस गेम्स के ही जैसे फीलिंग देता है, कुछ खास अलग फील नहीं होता। इसलिए इसके बाद डेवलपर्स ने लोगों को कुछ अलग और स्पेशल देने के लिए कोरी बारलॉक को बुलाया, जिन्होंने पहले भी गॉड ऑफ वॉर के काफी सारे गेम्स बनाए हैं, इवन इन्होंने ही गॉड ऑफ वॉर सीरीज की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें गेम के बारे में काफी नॉलेज थी। जिसके बाद कोरी बारलॉक ने गॉड ऑफ वॉर सीरीज को रिबूट करने का डिसीजन लिया, इसीलिए इसके टाइटल में गॉड ऑफ वॉर के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। और इस बार गेम में ग्राफिक्स, मैकेनिक्स, कैमरा, लोडिंग, जंप, वेपन एंड और भी काफी सारी चीजों के साथ इंटरव्यू में कोरी बारलॉक ने यह भी कहा कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज को ग्रीक मैथोलॉजी से नॉर्स मैथोलॉजी पर सेट किया गया है, और नॉर्स मैथोलॉजी पर गेम बनाने से पहले क्रिएटर्स में काफी बातचीत हुई थी, जिसमें दो मैथोलॉजी को रखा गया था, एक तो नॉर्स मैथोलॉजी और एक इजिप्शियन मैथोलॉजी, जिसमें आधी टीम इजिप्शियन मैथोलॉजी की तरफ थी कि गेम को इसी मैथोलॉजी पर सेट किया जाए, क्योंकि इजिप्शियन मैथोलॉजी में सिविलाइजेशन के बारे में सभी को काफी कुछ पता था, बट बाद में फिर गेम को क्रेटोस पर फोकस रखने के लिए नॉर्स मैथोलॉजी पर सेट करने का फैसला किया गया। और इसके बाद जब ये गेम बनकर रिलीज के लिए रेडी हो गया तो ये गेम लोगों को काफी पसंद आया, क्योंकि गेम लग ही नहीं रहा था कि ये गॉड ऑफ वॉर सीरीज का है, और इस गेम ने सीरीज में भी सबसे ज्यादा सेल्स की है, 23 मिलियन की। सो अब यहाँ डेवलपर्स समझ गए थे कि लोगों को हर गेम में कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए जो उन्हें अलग फील करवाए, इसलिए अब ये नॉर्स सागा को भी ज्यादा नहीं खींचना चाहते, नहीं तो ये भी ग्रीक मैथोलॉजी जैसी फील होगी। इसलिए में भी क्रिएटर्स ने न्यू गॉड ऑफ वॉर के सीरीज को दो ही गेम में एंड करने का सोचा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि रैग्नारोक काफी बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें क्रेटोस की डेथ को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है, इसलिए अगर क्रेटोस की डेथ दिखाई जाए तो इससे अच्छा कोई और गेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम गॉड ऑफ वॉर सीरीज में क्रेटोस को काफी टाइम से प्ले करते हुए आ रहे हैं, और अब नॉर्स मैथोलॉजी में क्रेटोस काफी बूढ़ा भी हो गया है। अब हाँ, वो अलग बात है कि बंदे में अभी भी दम है, और अगर आपने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के लीक्स देखे होंगे तो उसमें हमें ऐसा दिखाया गया है कि हम जैसे गेम में क्रेटोस को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ गेम प्ले करते हैं, सेम ऐसे ही रैग्नारोक में भी अट्रेस के साथ होने वाला है। मतलब कि हम पूरी तरह से किसी किसी मिशन में अट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे, एनिमीज को मार पाएंगे, ओवरऑल सब कुछ कर पाएंगे। सो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रैग्नारोक में हम अट्रेस के साथ प्ले कर पाएंगे, जिससे हम अट्रेस के गेम प्ले के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, उसे एज अ गेम का प्रोटैगनिस्ट मानने लगेंगे। इसलिए अगर रैग्नारोक में क्रेटोस की डेथ होती भी है तो अगले गेम में हम अट्रेस के साथ गेम को कम्प्लीट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है कि हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में अट्रेस के साथ प्ले करेंगे, जिससे हमें गॉड ऑफ वॉर के फ्यूचर के गेम्स में अट्रेस को एक्सेप्ट करना आसान होगा। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जैसे क्रेटोस के सच्चे वाले फैन हो, तुम्हें क्रेटोस की डेथ से दुख होगा, बट हमें क्रेटोस को एक बेस्ट एंडिंग तो देनी ही पड़ेगी ताकि वो हमेशा हमारे दिलों में रहे। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि लीक्स में या कहीं भी अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में क्रेटोस की डेथ होगी, इसलिए क्रेटोस की डेथ को दिल पे मत लेना, गेम रिलीज होना अभी बाकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के बाद गेम कौन से माइथोलॉजी पर बेस्ड होगा। तो
तो रिसर्च में मुझे पता चला है कि अगला गेम दो माइथोलॉजी पे बेस्ड हो सकता है। पहला तो इजिप्शियन माइथोलॉजी और सेकंड कहा जा रहा है जापानीज माइथोलॉजी। तो पहले इजिप्शियन माइथोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो सभी की इच्छा है कि अगला गेम इजिप्शियन माइथोलॉजी पर ही बेस्ड हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गॉड ऑफ वॉर की टीम भी चाहती थी कि गॉड ऑफ वॉर इजिप्शियन माइथोलॉजी पर बेस्ड हो, सो इसलिए हो सकता है कि अगला गेम इजिप्शियन माइथोलॉजी पर ही सेट होगा। और इसके चांसेस भी इसलिए ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इससे पहले गॉड ऑफ वॉर की एक कॉमिक भी आई थी जिसका नाम था गॉड ऑफ वॉर फॉलन गॉड, जिसमें ये बताया गया था कि क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 3 के बाद कैसे नॉर्स माइथोलॉजी में गया और इस जर्नी में क्रेटोस से इजिप्ट भी गया था, वहाँ के लोगों से भी मिला, उनकी मदद भी की। एंड आपको ट्रेलर में वो लेडी तो याद ही होगी जिसका नाम एंगरवोडा बताया गया है। तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लेडी इजिप्शियन है, सो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगला गेम इजिप्शियन माइथोलॉजी पर सेट किया जा सकता है। और वहीं बात करें जापानीज माइथोलॉजी की, तो रैग्नारॉक के ट्रेलर में कुछ ऐसे भी मिनी एनिमीज को दिखाया गया है जिनके पास जापानीज कताना थी और कुछ ऐसी लोकेशंस में जापानीज माइथोलॉजी का भी हिंट दिया गया है। सो मैंने दोनों माइथोलॉजी के बारे में बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अगला गेम किस माइथोलॉजी पे देखना चाहोगे। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। बाकी हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर 9 नवंबर को मिल ही जाएगा, बस कुछ ही दिन रह गए हैं गेम रिलीज होने में। तो फिर मैं चलता हूँ, बट आप लोग जाते हुए वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अगर नए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।